चलो जी बस अब खामोश होके लिखो लिखो मोमेंटम इज अ वेक्टर, मोमेंटम इज अ वेक्टर, मोमेंटम इज अ वेक्टर। इसका सिंबल क्या होगा नीचे लिखो, सिंबल ऑफ मोमेंटम, सिंबल ऑफ मोमेंटम इज पी। अच्छा हम सोच रहे हैं कि इसको एम से रिप्रेजेंट करना चाहिए, लेकिन इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं। सो सिंबल फॉर मोमेंटम इज पी। उसके बाद अब फॉर्मूला क्या लिखेंगे, लिखो पी इज इक्वल टू एम इंटू बी। अच्छा इसमें पी हो गया मोमेंटम, एम हो गया मास, बी हो गया वेलोसिटी। मोमेंटम की डायरेक्शन क्या होगी, उससे पहले लेकिन यूनिट। अब देखिए मोमेंटम का यूनिट होगा, अगर आप सोचें मास का यूनिट हो गया किलोग्राम, और बी का यूनिट क्या हो गया मीटर पर सेकेंड। तो मोमेंटम का यूनिट हो जाएगा ऑब्वियसली किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ठीक, और एक आखिरी सेंटेंस, मोमेंटम इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, मोमेंटम बीइंग अ वेक्टर इज ऑलवेज, ये आखिरी सेंटेंस है, मोमेंटम इज ऑलवेज, मोमेंटम इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। जिस तरफ मोशन होगा उसी तरफ मोमेंटम होगा। ये हमारा हो गया फर्स्ट पेज। इससे रिलेटेड एग्जामिनर सिंपल क्वेश्चन पूछेगा, फॉर्मूला क्या है, यूनिट क्या है, कैलकुलेशन दी है। कॉपी हो गया यहां तक? अच्छा इसके बाद हम चलते हैं आगे। इसके आगे आप लिखें, अब इसका मैं क्या करूं बच्चों। अच्छा नेक्स्ट पेज पे चलो, अगली हेडिंग लिखो चेंज ऑफ मोमेंटम, जल्दी से चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी कि मोमेंटम का चेंज। इन अदर वर्ड्स आपके जो क्वेश्चन रहेंगे दे विल बी अबाउट चेंज ऑफ मोमेंटम। तो चेंज ऑफ मोमेंटम, चेंज ऑफ मोमेंटम, चेंज ऑफ मोमेंटम इज ऑल्सो अ वेक्टर। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा, चेंज ऑफ मोमेंटम को हम रिप्रेजेंट करेंगे डेल्टा पी से, और इसका हम फॉर्मूला लिखेंगे, लिखो डेल्टा पी इज इक्वल टू डेल्टा पी दैट इज चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। डेल्टा पी दैट इज चेंज ऑफ मोमेंटम विल बी इक्वल टू पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। ठीक, उसके बाद जो अगली बात है वो ये है कि आप लिखेंगे डेल्टा पी इज इक्वल टू एम बी माइनस एम बी। एम बी क्या होगा, मास इनटू फाइनल वेलोसिटी। एम यू क्या होगा, मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है जी, मास इनटू फाइनल वेलोसिटी माइनस मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी। अच्छा आप इसकी आप लिखें एक एग्जांपल, और ये एग्जांपल कोई 10 बार रिपीट हो चुकी है और हर बार बच्चे गलत आंसर करते हैं, और गलत आंसर की रीजन मैं बताऊंगा। एग्जांपल लिखें, अ बॉल ऑफ मास एम, अ बॉल ऑफ मास एम, ये 10 बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। अ बॉल ऑफ मास एम हिट्स अ बॉल विद स्पीड, अ बॉल ऑफ मास एम हिट्स अ बॉल विद स्पीड यू एंड रीबाउंड्स विद सेम स्पीड। वैसे रियल लाइफ में ऐसे नहीं होता, स्पीड कम हो जाती है, एनर्जी लॉसेस होते हैं, बट दिस इज अ क्वेश्चन। And rebounds with same speed. Find change of momentum. अच्छा 90% बच्चे इसका आंसर करते हैं जीरो। वो कहते हैं चलो ये उसी स्पीड से रिबाउंड किया तो आंसर जीरो हो जाएगा। जीरो इज द रॉन्ग आंसर, जीरो इज द रॉन्ग आंसर। क्यों, डायरेक्शन। अगर आप डायरेक्शन को इग्नोर करेंगे तो आपका क्वेश्चन इनकरेक्ट हो जाएगा। अच्छा एग्जामिनर ऑप्शन में पहला ऑप्शन जीरो देगा, अगर ये एमसीक्यू होगा तो एग्जामिनर जो फर्स्ट ऑप्शन देगा वो जीरो होगा। वो चाहेगा आप ये सोचो वही स्पीड है तो आंसर जीरो हो जाएगा। तो अ बॉल ऑफ मास एम हिट्स अ बॉल विद अ स्पीड यू एंड रिबाउंड्स विद सेम स्पीड, फाइंड चेंज ऑफ मोमेंटम। और ये क्वेश्चन आता होता है एमसीक्यूज में, और इसका पहला ऑप्शन जीरो होता है और बच्चे जीरो को टिक कर देते हैं। और मजे की बात ये है कि ये वाली क्लास देने के बाद जब टेस्ट होता है तब भी जीरो को टिक करते हैं।
क्लास हो रही है ना, डिस्कशन हो गई, अब उसके बाद जब टेस्ट होता रहे पिछले सालों में तब भी बच्चे जीरो को टेक करते रहे, अब मुझे नहीं पता क्यों। तो फाइंड द चेंज ऑफ मोमेंटम। अच्छा बच्चों देखो, यहां पे है आपके पास एक बॉल। अच्छा एग्जामिनर ने कहीं पे बताया हुआ है कि बॉल राइट पे मूव कर रही है, लेफ्ट पे मूव कर रही है, किस तरह मूव कर रही है? नहीं बताया हुआ ना एग्जामिनर ने, ये तो नहीं बताया हुआ कि राइट है लेफ्ट है। हम कहेंगे इनिशियल डायरेक्शन एंड ऑपोजिट टू द इनिशियल डायरेक्शन। अब इनिशियल डायरेक्शन राइट भी हो सकती है, लेफ्ट भी हो सकती है, ऊपर भी हो सकती है, नीचे भी हो सकती है, लेकिन जल्दी हम किस तरफ लेते हैं राइट पे। बेटा एग्जामिनर ने कुछ नहीं कहा हुआ, हम अपनी तरफ से ले रहे हैं। तो अब बॉल हमने ले ली यहां से, अब एक बॉल है जी जिसका मैस है हमारे पास कितना एम, और वो जाके बॉल पे हिट करती है विद स्पीड यू, और फिर वो रिबाउंड करती है विद स्पीड यू। देखो स्पीड तो यू है, लेकिन हमारे फॉर्मूला में स्पीड है या वेलोसिटी? हमारे फॉर्मूला में भी है वेलोसिटी। तो अगर हिटिंग स्पीड होगी प्लस वेलोसिटी होगी प्लस यू, तो रिबाउंडिंग वेलोसिटी होगी नेगेटिव। और एक और बात, राइट लेफ्ट यहाँ पे कुछ नहीं है, क्यों? जो ओरिजिनल क्वेश्चन में नहीं गिवन उसकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप अपने आंसर में लिखेंगे राइट लेफ्ट, तो एग्जामिनर नंबर काट देगा। कहीं पे एग्जामिनर ने राइट लेफ्ट कहा हुआ है, तो आप क्या यूज करेंगे? इनिशियल डायरेक्शन एंड अपोजिट टू द इनिशियल डायरेक्शन। आप क्या यूज करेंगे? इनिशियल डायरेक्शन, राइट लेफ्ट कुछ नहीं है, इनिशियल डायरेक्शन एंड अपोजिट टू द इनिशियल डायरेक्शन। हम पॉजिटिव किसको ले रहे हैं? इनिशियल डायरेक्शन को। नेगेटिव किसको ले रहे हैं? अपोजिट टू द इनिशियल डायरेक्शन को। अब आपका यू क्या हो गया और वी क्या हो गया? बच्चों ये हो गया यू और ये बच्चों आपका हो गया वी। अब आपने कैलकुलेट करना है चेंज इन मोमेंटम, तो देखो डेल्टा पी। अच्छा अब एक बात बताओ, अगर तो आंसर आ गया पॉजिटिव तो क्या मतलब? अगर आंसर आ गया पॉजिटिव तो इसका मतलब है चेंज ऑफ मोमेंटम, वेक्टर का चेंज भी वेक्टर होता है। पॉजिटिव आंसर का मतलब होगा इन द इनिशियल डायरेक्शन, नेगेटिव आंसर का मतलब होगा अपोजिट टू द इनिशियल डायरेक्शन। आंसर पॉजिटिव भी आ सकता है, आंसर नेगेटिव भी आ सकता है। वेक्टर का पॉजिटिव या नेगेटिव उसका क्या होता है? डायरेक्शन होता है। अब डेल्टा पी का फॉर्मूला क्या होगा? पुट करो डेल्टा पी इज इक्वल टू एम टाइम्स फाइनल वेलोसिटी माइनस एम टाइम्स इनिशियल वेलोसिटी। बच्चों इसमें वैल्यूज पुट करो, डेल्टा पी इज इक्वल टू एम टाइम्स नेगेटिव यू माइनस एम टाइम्स प्लस यू। तो इसका जो आंसर बनेगा वो हो जाएगा नेगेटिव एम यू, नेगेटिव एम यू तो क्या बन गया? नेगेटिव 2mu। अच्छा फिजिक्स में जो नेगेटिव होता है उसको कभी भी हम आंसर में नहीं लिखते, उस नेगेटिव का हम मीनिंग बताते हैं। ये नेगेटिव क्या बता रहा है? क्या बता रहे हैं? ऑपोजिट टू द इनिशियल डायरेक्शन। तो आप लिख लें, वैसे आपका क्या ख्याल है, बॉल पे फोर्स किस तरफ होगी? तब रिबाउंड कर रही है, अपोजिट टू द इनिशियल। चेंज ऑफ मोमेंटम और फोर्स की सेम डायरेक्शन होती है, तो चेंज ऑफ मोमेंटम किस तरफ होगा? जिस तरफ फोर्स होगी। चेंज ऑफ मोमेंटम हमेशा ये लिख लो, लिखो चेंज ऑफ मोमेंटम, एक सेंटेंस लिख लो, चेंज ऑफ मोमेंटम is always in the direction of force. Change of momentum is always in the direction of force. और ये हर वक्त अपना ही होगा, ठीक है? तो अब अगर हम इस सिचुएशन को ड्रॉ करते हैं नेक्स्ट पेज पे, आई थिंक ये वाला पेज कॉपी हो गया, हो गया कॉपी। अब आप चले जाए नेक्स्ट पेज पे। ड्यूरिंग द कोलिजन बॉल पे फोर्स किस तरफ होगी और बॉल पे फोर्स किस तरफ होगी? आप खुद सोचिए, ये है बॉल, ये है बॉल। अब आप मुझे बताएं बॉल पे फोर्स किस तरफ होगी? बॉल पे फोर्स होगी राइट पे या इन द इनिशियल डायरेक्शन? बॉल पे फोर्स होगी अपोजिट टू द इनिशियल डायरेक्शन। आप इससे एग्री करते हैं? जब बॉल और बॉल का कोलिजन होगा, बॉल आगे पुश होगी और बॉल किस तरफ पुश होगी? बैकवर्ड। याद ये समझ बात, एक्शन रिएक्शन। अब डेल्टा पी जो बॉल पे होगा, ये बना दो, दिस इज चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द बॉल एंड दिस इज चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द बॉल। जिस तरह फोर्स इक्वल होती है उसी तरह चेंज ऑफ मोमेंटम भी क्या होता है? इक्वल होता है। न्यूटन थर्ड लॉ फोर्स पे भी अप्लाई होता है और चेंज ऑफ मोमेंटम पे भी अप्लाई होता है। असल में चेंज ऑफ मोमेंटम लेटर ऑन फोर्स बन जाता है, ठीक। तो अब बॉल का होगा पॉजिटिव आंसर और बॉल का होगा नेगेटिव आंसर बिकॉज ऑफ डायरेक्शन। तो आंसर क्या आया था? नेगेटिव। क्या था आंसर? नेगेटिव 2mv। तो इसका आंसर हो जाएगा प्लस 2mv या mu, और इसका आंसर हो जाएगा नेगेटिव 2mu। तो एक सेंटेंस लिखो, लिखो चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द बॉल, चेंज ऑफ मोमेंटम।
अच्छा एक चीज आप याद रखिए, चेंज ऑफ मोमेंटम उधर ही होगा जिधर फोर्स होगा, चेंज ऑफ मोमेंटम उसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में फोर्स होगी। तो चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द बॉल इज ऑपोजिट टू द इनिशियल, इज ऑपोजिट टू द इनिशियल, is opposite to the initial direction of motion of the ball. तो जिस तरह बॉल का initial motion है उसके opposite होगा। Copy का नहीं याद, और ये कैसे पता चला? negative sign से। एक example आप और करेंगे। Next page पे चलो। ये वाला हो गया copy? Copy कर लो। अच्छा अगर होगा पॉजिटिव तो इन द इनिशियल डायरेक्शन, अगर होगा नेगेटिव तो अपोजिट टू द इनिशियल डायरेक्शन। राइट लेफ्ट नहीं कहना, क्यों राइट लेफ्ट क्यों नहीं कहना? बिकॉज एग्जामिनर ने राइट लेफ्ट नहीं बताया। ठीक सर, आवाज कम कर ले, ऑनलाइन वाली क्लास सर आवाज थोड़ी सी कम कर ले, सर आवाज थोड़ी सी कम कर ले, इधर रिफ्लेक्शन आ रही है। अच्छा अब नेक्स्ट पेज पे चलो, एग्जाम्पल लिखे सर आवाज कम कर ले, इतना हो कि जूम में सुनाई दे। अच्छा एग्जांपल देखो, अ बॉल ऑफ मैस, बेटा आवाज नहीं मुझे, अ बॉल ऑफ मैस 500 ग्राम हिट्स अ बॉल विद अ स्पीड ऑफ 20 meter per second and it rebounds. आपके पेपर में इसी तरह का क्वेश्चन होगा अगर आएगा क्वेश्चन। A ball of mass 500 grams hits a ball with a speed of 20 meter per second and it rebounds with 10 meter per second. क्यों? कुछ एनर्जी लूज हो गई, बाउंस बैक करने में कुछ एनर्जी लूज हो गई, तो क्या हो गया? 10 meter per second is the rebounding speed. Find change of momentum. Find change of momentum. अच्छा मैस का यूनिट क्या होगा ये बताओ जरा। मैस का यूनिट होगा किलोग्राम्स। मैस का यूनिट क्या होगा? किलोग्राम्स एसआई यूनिट। तो बेटा जब भी आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे मैस का यूनिट क्या हुआ करेगा? किलोग्राम्स। तो आपका यहाँ पे मैस का यूनिट होना चाहिए किलोग्राम्स, ठीक है, इसका ख्याल रखना है। तो अ बॉल ऑफ मैस 500 ग्राम्स ठीक है hits a ball with a speed of 20 meter per second and it rebounds with 10 meter per second. Find change of momentum. चलें ये लिखो, delta p is equal to mv, m हो गया mass और v हो गई final velocity, इसमें से subtract होगा m times initial velocity. अच्छा मुझे आप ये बताएं कि m का unit क्या होगा? m should be in kilograms. v और u का unit क्या होगा? Should be in मीटर पर सेकंड, ऐसा यूनिट। अच्छा क्वेश्चन में कहीं पे ये कहा हुआ है कि बॉल का इनिशियल मोशन टुवर्ड्स राइट है या टुवर्ड्स लेफ्ट है? कहीं पे ये बताया हुआ है क्वेश्चन में? ये कहीं पे नहीं बताया हुआ कि बॉल का इनिशियल मोशन विल बी टुवर्ड्स राइट और टुवर्ड्स लेफ्ट, ठीक है जी। तो आप खुद से डिसाइड नहीं करते। फॉर एग्जांपल अब अगर यहां पे हम बॉल को ले लेते हैं लेफ्ट साइड से, फर्क नहीं पड़ता। चलें इस एग्जांपल में आप बॉल को ले लें लेफ्ट साइड, क्वेश्चन में कहीं पे ये बताया हुआ है कि बॉल राइट पे या लेफ्ट पे, आप बताएं जरा। क्वेश्चन में यहां पे कहीं पे क्लियर किया हुआ है कि इनिशियल डायरेक्शन कौन सी है, तो आप इनिशियल डायरेक्शन राइट भी ले सकते हैं और लेफ्ट भी ले सकते हैं। चलें अब हम लेफ्ट ले रहे हैं। तो ये हो गया बॉल, बॉल का मास कितना है? 500 ग्राम। किलोग्राम्स में कितना होगा? एम इज इक्वल टू 500 ग्राम्स, जो कि किलोग्राम में हो जाएगा 500 ओवर 1000, तो कितना बन गया? 0.5 किलोग्राम। अब देखें बॉल की हिटिंग स्पीड कितनी है। बॉल है जी, उसका मास है 0.5 केजी और उसकी जो हिटिंग स्पीड है जी वो है, इट हिट्स द बॉल विद अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड एंड देन इट रिबाउंड्स, मैं साइन ऐड नहीं कर रहा, आप खुद ऐड करेंगे, रिबाउंड्स विद 10 मीटर पर सेकेंड। अच्छा पहले तो आप साइन कन्वेंशन डिफाइन कर लें। हमने ये करना है कि हमने राइट को लेना है पॉजिटिव, लेफ्ट को लेना है नेगेटिव, ठीक। हमारा साइन कन्वेंशन है हम राइट को क्या ले रहे हैं? पॉजिटिव।
और लेफ्ट को क्या दे रहे हैं, नेगेटिव। अब आप मुझे ये बताएं, इनिशियल रिएक्शन अब की बार नेगेटिव है या पॉजिटिव है? अगर हम लेफ्ट को ले रहे हैं नेगेटिव और राइट को ले रहे हैं पॉजिटिव, बेटा एग्जामिनर ने राइट लेफ्ट नहीं बताया हुआ मुझे कि आपका बॉल राइट पे या बॉल लेफ्ट पे है। तो पहले क्वेश्चन में हमने बॉल को राइट पे किया था, बॉल को आप लेफ्ट पे भी दे सकते हैं, समझ आ रही बात? लेकिन आप फॉलो किसको करेंगे, इनिशियल डायरेक्शन और फाइनल डायरेक्शन, यू कंफ्यूज हो रहे इसमें। चलिए अब साइंस ऐड करो, अब आप बताएं साइंस क्या होंगे, इसका साइन होगा नेगेटिव, बताओ क्यों? क्योंकि हम लेफ्ट को ले रहे हैं नेगेटिव। तो अब आप मुझे बताएं इस क्वेश्चन में हम इनिशियल डायरेक्शन को नेगेटिव ले रहे हैं या पॉजिटिव ले रहे हैं? इस क्वेश्चन में हम इनिशियल डायरेक्शन को नेगेटिव ले रहे हैं, हमारे लिए राइट लेफ्ट कुछ नहीं है, इनिशियल डायरेक्शन एंड फाइनल डायरेक्शन। नाउ द इनिशियल डायरेक्शन इज नेगेटिव, व्हाट अबाउट फाइनल डायरेक्शन? ये आपका हो गया यू। अब वी का बताओ, वी है राइट पे तो ये हो जाएगा पॉजिटिव। बेटा अगर इनिशियल डायरेक्शन है नेगेटिव तो फाइनल डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव। क्लियर यहां तक? अच्छा, डेल्टा पी का फॉर्मूला, डेल्टा पी इज इक्वल टू एम टाइम्स फाइनल वेलोसिटी माइनस एम टाइम्स इनिशियल वेलोसिटी। अब आप मुझे ये बताएं, अगर डेल्टा पी का आंसर पॉजिटिव आ गया वो क्या बता रहा होगा? अगर आंसर पॉजिटिव है, नहीं राइट लेफ्ट कुछ नहीं है, क्या एग्जामिनर ने राइट लेफ्ट बताया हुआ है, तो आप आंसर में राइट लेफ्ट नहीं कह सकते। आप कहेंगे अगर तो आंसर होगा पॉजिटिव, आप कहेंगे अपोजिट टू द इनिशियल डायरेक्शन। अगर आंसर होगा नेगेटिव तो आप कहेंगे इन द इनिशियल डायरेक्शन। देखो आपकी इनिशियल डायरेक्शन क्या है, नेगेटिव, फाइनल डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव। तो आप अब आप यूं कहेंगे, अगर तो आंसर होगा नेगेटिव तो आप कहेंगे इन द इनिशियल डायरेक्शन। बेटा नेगेटिव और पॉजिटिव हमने खुद डिफाइन किया हुआ है, हमने इनिशियल डायरेक्शन को लिया हुआ है नेगेटिव, फाइनल डायरेक्शन को लिया हुआ है पॉजिटिव, तो हमारे आंसर का जो रेफरेंस होगा वो उसी तरह चलेगा। डेल्टा पी कैलकुलेट करो क्विकली, डेल्टा पी इज इक्वल टू 0.5 into final velocity 10 minus 0.5 into initial velocity negative 20. इसको सॉल्व करके बताओ आंसर क्या आता है? चलें 0.5 times 10 और दूसरा क्या हो गया 0.5 times 0.5 times minus 20. So this will give us 5 plus ये कितना बनेगा 10 5 प्लस 10 प्लस 15, प्लस 15 आ रहे हैं ना, तो प्लस 15 और यूनिट क्या होगा, किलोग्राम मीटर पर सेकंड, वही मोमेंटम वाला, जो मोमेंटम का यूनिट वही चेंज ऑफ मोमेंटम का यूनिट। कंफ्यूजन है ये समझ आ गई यहां को? तो पॉजिटिव साइन को क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे डेल्टा पी इज, सेंटेंस लिखो, डेल्टा पी इज 15 किलोग्राम मीटर पर सेकंड अपोजिट टू द इनिशियल डायरेक्शन। अच्छा अब मैं आपको दूंगा एक टेस्ट क्वेश्चन जो आपको खुद करेंगे, कॉपी हो गया यहां तक? टाइम अब मैं खुद देख रहा हूं, आप मेरे साथ धोखा नहीं कर सकते आज, टाइम पे मेरी आज है नजर, अभी है टाइम। अच्छा नेक्स्ट पेज, अब आप करेंगे एक टेस्ट क्वेश्चन, देखो टेस्ट क्वेश्चन जिसका ये ठीक होगा उसका ए स्टार। देखो अ बॉल, बेटा आवाज नहीं मुझे, अ बॉल ऑफ मैस एम हिट्स अ बॉल विद स्पीड, हिट्स द बॉल विद स्पीड बी। अब एग्जामिनर आपको कंफ्यूज कर रहे हैं, बी यहां पे इनिशियल स्पीड है, आप सिंबल में कंफ्यूज हो गए, आप मुझे बताएं जो बी गिवन है इट इज द इनिशियल स्पीड और द फाइनल स्पीड, नाउ इट इज द इनिशियल स्पीड, लेकिन आप समझते हैं कि बी होता है फाइनल स्पीड, लेटर ऑन आप कंफ्यूज हो सकते हैं। सो अ बॉल ऑफ मास एम हिट्स अ बॉल विद स्पीड बी, उसके बाद लिखो इट लूजेस 30% ऑफ इट्स kinetic energy during the bounce, it loses 30% of its kinetic energy during the bounce. Question ka A part, find the speed of the ball, find the speed of the ball after it rebounds
find the speed of the ball after it rebounds in terms of b. ये आपने खुद करना है. आप बताएं rebound करने के बाद in terms of b ball की speed क्या होगी और जल्दी से करना. जब उसने hit किया तो ball का जब contact हुआ ball के साथ उसने अपनी 30% kinetic energy use कर दी. तो आपने बताना है कि बाउंस करने के बाद उसकी स्पीड इन टर्म्स ऑफ बी कितनी होगी जबकि बी उसकी हिटिंग स्पीड है. एंड यू हैव जस्ट 1 मिनट, टाइम नहीं लगा. क्वेश्चन समझ आ गया ना? बॉल पे जाके लगी 30% के यूज हो गई तो बताएं रिबाउंड किस स्पीड से करेगा. जी बेटा 30% less speed से नहीं, less k से. अच्छा बेटा इसका ये method होगा. सबसे पहले जो speed find करनी है उसको आप कह दें x. देखिए final speed is equal to आप उसको x कह दें जो हमें find करना है. जनरली जो find करना होता है उसको x कहते हैं. अच्छा 30% k हो गए use, तो रहे कितना गए? 70%. तो लिखो final kinetic energy is equal to, I think it is 70%. क्या क्या है? 70% of initial KE. याद ये समझ? बेटा अगर 30% lose हो गई तो रह कितना गई? 70%. Clear है अब ये? Final KE is equal to 70% of initial KE. अब final KE को आप लेते हैं 1/2 m और साथ लेते हैं x का square. X is the speed we have to find. ठीक हो गया? 1/2 m into x का स्क्वायर इज इक्वल टू परसेंट का मतलब होता है ओवर 100. 70/100 ऑफ, जब भी होगा 70% 70/100 ऑफ 1/2 into m into इनिशियल स्पीड v की आपकी बार b का स्क्वायर. आपको x फाइंड करना है इन टर्म्स ऑफ b. दोनों साइड पे जो काट रहे हैं उसको काट दो. m से काट गया, 1/2 से काट गया, तो x स्क्वायर किसके इक्वल आ गया? x स्क्वायर आ गया 0.7 टाइम्स ऑफ b स्क्वायर. अगर आपको x चाहिए आप अंडर रूट ले लो, और अगर आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए तो प्लस माइनस लगाने की जरूरत नहीं. हम स्पीड फाइंड कर रहे हैं, स्पीड नेगेटिव नहीं होगी. जब अंडर रूट लेते हैं तो प्लस माइनस लगाते हैं. यहां पे क्यों नहीं लगा रहे? बिकॉज़ हम स्पीड फाइंड कर रहे हैं और स्पीड स्केलर होता है. तो x इज इक्वल टू 0.7 का अंडर रूट टाइम्स b. बच्चों इसका आंसर बताओ. 0.7 अंडर रूट कितना आ गया? कैलकुलेटर 0.836 या 837 और ये हो गया. बच्चों ये कर लो कॉपी. थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स में हम जनरली आंसर लिखते हैं. तो एक्स क्या आ गया? 0.837 ऑफ बी. ठीक है जी, ये क्वेश्चन का हो गया ए पार्ट. अब आप क्वेश्चन का लिखें बी पार्ट. फाइंड चेंज ऑफ मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ, फाइंड चेंज ऑफ मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ एम एंड बी. फाइंड चेंज ऑफ मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ एम एंड बी. ये आपने खुद कर लिया. आपने m और v की फॉर्म में बताना है चेंज ऑफ मोमेंटम कितना होगा, और आपने स्टेटमेंट भी लिखना है इन दैट डायरेक्शन, इन द इनिशियल डायरेक्शन अपोजिट टू द इनिशियल डायरेक्शन. तो मास हो गया m और वेलोसिटी हो गई, और इसके लिए भी आपके पास 1 मिनट. यू ओनली हैव 1 मिनट. मैं गिनना शुरू कर रहा हूं 1 2 3 4. बच्चों जल्दी करो. Now you have initial velocity, final velocity, and you know the method. So, इतनी examples करने के बाद अब simple होना चाहिए. बेटा copy हो गया? चला जाऊँ अगले page पे? चल. बच्चों copy मेरे साथ साथ किया करो. अच्छा आप देखें. अब जो situation है, वो ये है कि m था और प्लस v था. चले फिर रिफ्लेक्ट किससे हुआ? रिफ्लेक्ट या रिबाउंड हुआ नेगेटिव 0.7
नेगेटिव कंट्रैक्शन की वजह से A73B और ये M हो गया. तो आई थिंक डेल्टा P विल बी इक्वल टू, अब देखो ये हो गया U और ये हो गया V, सीधी वैल्यूज पुट कर देते हैं, M टाइम्स -0.837B और इसमें से सबट्रैक्ट हो जाएगा माइनस M टाइम्स प्लस B. इसके आगे आप खुद सॉल्व कर लेंगे. समझ आ गई यहां तक? आंसर होगा नेगेटिव तो हम कहेंगे अपोजिट टू द इनिशियल वैल्यू. आंसर होगा नेगेटिव क्या कहेंगे फिर? जब आंसर नेगेटिव होगा तो हम कहेंगे अपोजिट टू द इनिशियल वैल्यू. कोई कंफ्यूजन है? ये समझ आ गई? चलो अब आप लोग भाग सकते हैं. आज बड़ा क्लियर है मोमेंटम में चेंज होगा. और मोमेंटम क्या होता है, कितना होता है मोमेंटम? सिंपल बात ये होता है कि ये कितना डेरिवेटिव है.